आफ्टरनून एवरीवन, आई एम सुनीता मुखेजा। सो आज हम आपको लेके आए हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर, जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट है एल स्पेजिया रेडी टू मूव, जो स्पेनिश आर्किटेक्चर थीम के ऊपर बनाया गया है। सो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, हमें ये होता है कि पोजिशन कब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रेडी टू मूव चीज़ मिलेगी, आप अपने घर पर साथ के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। सो जैसा हमने प्रोजेक्ट आपको दिखाया था वैसा ही हमने बनाकर भी दिया है। टोटल 5.25 एकड़ में प्रोजेक्ट है, 1 एकड़ में हम कमर्शियल लेके आए हैं और 4.25 एकड़ में हमारा रेजिडेंशियल है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 और 3+1 दो ही कैटेगरी हैं, जो कि दोनों ही रेडी टू मूव हैं। सो अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर अपने पास क्लब हाउस है, जो कि स्पोर्ट्स एरिया रेडी है, पूल एरिया रेडी है, आपका बेसमेंट में पार्टी हॉल है जिसमें 100 पीपल की इजी गैदरिंग हो जाएगी एंड साथ ही आपका इंडोर गेम्स आ जाते हैं। 1.25 एकड़ में हमारा पार्क है, उसमें हमने किड्स प्ले एरिया अलग से बना के दिया है, उसमें भी हमने रबड़ फ्लोरिंग करके दिया है कि बच्चे खेलते हुए गिर जाएं तो उनको चोट ना लगे। अब हम आपको लेके चलते हैं फ्लैट्स में, जो कि 3+1 BHK का है, जिसका साइज़ आ जाएगा 2280 square feet। इसकी डबल एंट्री है, जिसमें आपका एक सर्वेंट की एंट्री आ जाती है, जिसका साइज़ 8x7 का है, आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है और इसी के साथ आपकी बिग बालकनी आ जाती है, जिसमें आपका यहाँ पर ये वॉशिंग एरिया आ जाता है और साथ ही ये बालकनी आपकी किचन के साथ कनेक्ट कर रही है एंड आपका एक मेन एंट्री आ जाती है। सो ये जो हम डोर देख रहे हैं सेम हाइट रहेगी और ये अपना डोर में कंपनी का डोर रहेगा, 35mm का सॉलिड पार्टिकल फिल बोर्ड है। सो आइए सर, ये हमारी मेन एंट्री आ जाएगी एंड इसमें जो इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, ये आपका 20x22 का ड्राइंग डाइनिंग एरिया जाता है, जिसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका कोई भी गेस्ट ड्राइंग एरिया में बैठा है तो उसको किचन एंड रूम विजिबल नहीं होंगे। इसी के साथ ही आपका अटैच बालकनी आ जाती है, जिसमें हम 3-track UPVC डोर विंडो दे रहे हैं, जिसमें हम आपको मेश डोर लगा के दे रहे हैं। एंड सेकेंड आपका साउंड प्रूफ ग्लास डोर आ जाएगा, 11x6 की आपकी बालकनी रहेगी। अब हम बात करते हैं किचन की। सो किचन का साइज जो रहेगा 12x8 का है, इसमें ड्राई और वेट एरिया हमने अलग अलग किया है। किचन जो है हम हेटेक की दे रहे हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ, इसमें आपका स्टोरेज स्पेस काफी अच्छा आ जाता है। हमने जो रूम डिज़ाइन किए हैं, होटल कॉन्सेप्ट में रूम डिज़ाइन किए हैं, एंटर करते ही आपकी फुल रूफ तक वार्डरोब्स आ जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्टोरेज स्पेस है, आपको अलग से वार्डरोब्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एंटर किया, एंटर करते वार्डरोब्स आ गए, साथ ही आपका वॉशरूम आ जाता है। इसी के साथ में आपका रूम साइज जो है 11x15 का रूम साइज आ जाता है, जिसमें आपका क्लियर रूम साइज है 11x15। आप देख सकते हैं कि इसमें सोफा भी है, एक्स्ट्रा वर्क भी है, उसके बावजूद भी एम्पल स्पेस है। इसी के साथ ही आपकी अटैच बालकनी आ जाती है, अगेन आपका 3-track UPVC डोर विंडो रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि बालकनी साइज देखिए कितना बड़ा है, कितनी बिग बालकनी है, जो कि 2200x6 की आपकी बालकनी रहेगी। इसी के साथ ही आपका सेकंड रूम आ जाता है, जो कि साथ वाले रूम का मिरर इमेज आ जाएगा। ये आ गया आपका मास्टर रूम, जिसमें हम आपको वुडन फ्लोरिंग करके दे रहे हैं एंड इसमें भी आप देख सकते हैं डबल सीटर सोफा है, एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, फिर भी एम्पल स्पेस है। इसी के
साथ अटैच वॉशरूम है, सेम आपकी वार्डरोब्स आ जाएंगी फुल रूफ तक। ये आ गया आपका थर्ड रूम जो कि गेस्ट रूम है, 10x13 का रूम साइज है। इसमें भी आप देख सकते हैं सेपरेट अलग से बालकनी है, हर रूम के साथ आपको बालकनी मिल रही है। सो आपके घर पर प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन रहेगा, आपको दिन में लाइट चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर पर। इसके साथ इस रूम के साथ आपकी 2 बालकनीज आ जाती हैं। इसी के साथ आपका वॉशरूम अटैच्ड आ जाता है, जिसकी एंट्री दोनों तरफ से रहेगी, अटैच्ड भी रहेगी और कॉमन एंट्री भी रहेगी। तो आप किसी को रूम से एंटर नहीं करने देना चाहते हैं तो उसको आप ड्राइंग एरिया से एंट्री दे सकते हैं। ये देखिए कितना स्पेशियस डाइनिंग एरिया है जो कि किचन के बिल्कुल ओपोसाइड आ जाता है, साथ के साथ आपका गरम गरम खाना आप इंजॉय कर सकते हैं।